भिलाई सेक्टर 6 स्थित जैन भवन में भव्य वेदी प्रतिष्ठान महोत्सव का आयोजन जैन समाज द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जैन धर्म गुरु श्री श्री 1008 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज महोत्सव में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को सरल, सहज और सर्वोत्तम जीवन जीने की कला से अवगत करा रहे हैं। भिलाई जैन समाज द्वारा भिलाई सेक्टर 6 में भव्य वेदी प्रतिष्ठान महोत्सव का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस महोत्सव में अपने ज्ञान की वर्षा करने और महोत्सव में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर जीवन जीने की कला से अवगत कराने के लिए जैन धर्मगुरु श्री श्री 1008 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज अपने शिष्यों के साथ पधारे हैं, जिनके सानिध्य में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु उनके द्वारा दी जा रही ज्ञान की वर्षा में भीगते हुए लाभान्वित हो रहे हैं। विशुद्ध सागर जी महाराज अपने प्रतिदिन के कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को कई कलाओं से अवगत करा रहे हैं, जिसमें तनाव मुक्त जीवन जीने की कला विशेष तौर पर बताई जा रही है। विशुद्ध सागर जी महाराज के वचनों को सुनकर श्रोतागण एवं श्रद्धालुगण ज्ञान के सागर में गोते लगा नजर आते हैं। जैन समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और गुरुकुल भी खोल रहे हैं और जिन जो हमारे स्कूल में कॉलेज में आज से नहीं पुराने काल से जब वो प्रथम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद जी, उसी समय से जब बनारस यूनिवर्सिटी खुली तो वहाँ जैन जैन की स्थापना हुई, यूनिवर्सिटी रीवा मध्य प्रदेश तो वहाँ पर भी तो, और हिंदू विश्वविद्यालय रीवा बनारस में जैन लीडर रहे हुए, आज भी वर्तमान में अशोक जी वहाँ पर हैं जो जैन और बौद्ध विभाग के अध्यक्ष हैं। तो आज यूँ कहना चाहिए देश की क्या विश्व की प्रथम पाठशाला माँ है, और बच्चा सबसे पहले पिता को नहीं पहचानता, माँ को ही पहचानता है। तो माँ का कर्तव्य है, जब माँ कौशल्या होगी, माँ त्रिशला होगी, माँ मरुदेवी बनेगी तो ऋषभदेव महावीर राम जैसी संतान भी होगी। इसलिए माताओं का कर्तव्य है सब मूल बिंदु। आपने अच्छा प्रश्न किया, आज कुछ युवा मेरे पास आए रायपुर में, रो पड़ा बच्चा, मैंने एक दिन प्रवचन किया था, उस प्रवचन को सुनकर वो बच्चा मेरे पास आ गया। तो लोगों ने प्रश्न किया, आप ऐसा कैसे बोलते हो? आपको समझिए, पुड़िया खिलाना ही जहर नहीं है। यदि माँ गुस्सा कर करके भोजन बना रही है, विकारों से धोकर के बच्चों को खिला रही है, वो उसके शरीर के जो परमाणु हार्मोन्स हैं वो ऐसे बन चुके हैं, वो विषाक्त हो चुके हैं, अथवा 5 दिन की अशुद्धि जो है, उस अशुद्धि के काल में माता बहनें भोजन परोसनी है अपने पति को, भाई को, बंधु को, माता पिता को, बेटे को, ये सब उनको जहर दे रही, बुद्धि भ्रष्ट होती है। आज बच्चों प्रतिमा क्षीण क्यों हो रही है, बुद्धि कमजोर क्यों हो रही है, अशुद्धि का ध्यान नहीं रखा जा रहा। अगला प्रश्न मैंने कहा, जहर खिला रही है बच्चों को, आप क्या कर रहे हो? एक माँ अपने पति से छोटे छोटे बच्चों के सामने लड़ रही हो और पति पत्नी लड़े, बच्चे माँ का पक्ष लें कि पिता का? श्री श्री 1008 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का भिलाई प्रवास पर आना भिलाई वासियों के लिए बेहद खास नजर आ रहा है, क्योंकि प्रतिदिन इनके द्वारा बहाई जा रही ज्ञान की गंगा में श्रद्धालुगण गोते लगाते हुए सर्वोत्तम जीवन जीने की कला सीख रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।